फोर्ब्स की 37वीं एनुअल वर्ल्ड्स बिलियनियर लिस्ट 2023 के अनुसार मुकेश अंबानी दुनिया के 9वें रईस आदमी हैं। एंटीलिया उन्हीं का निवास स्थान है। यह दुनिया का दूसरा और भारत का पहला सबसे महंगा घर है। 27 मंजिला यह आलीशान इमारत 40,000 स्क्वायर फीट में बनी है। इस घर की अनुमानित कीमत $2 बिलियन है। इस घर में 168 कारों के लिए 7 मंजिला गैराज है। इसके साथ ही स्विमिंग पूल, बॉलरूम, 3 हेलीपैड, मंदिर गार्डन, 2 मंजिला हेल्थ सेंटर और 50 लोगों के लिए होम थिएटर है। 11,000 करोड़ से तैयार हुआ। एंटीलिया में 400 कर्मचारी काम करते हैं, जिससे मुकेश अंबानी एक नौकर की तरह नहीं बल्कि एक सहभागी की तरह व्यवहार करते हैं। अगर हम इन कर्मचारियों की सैलरी के बारे में बात करें तो एक सरकारी टॉप एग्जीक्यूटिव को जितनी सैलरी मिलती है उतनी ही इनके नौकर की सैलरी होती है। यहाँ के कर्मचारी ऐसे रहते हैं जैसे 7-स्टार होटल में रह रहे हों। दोस्तों, मुकेश अंबानी का घर सच में बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और इसका जो गेट है वो बुलेट प्रूफ है। साथ ही इसके अंदर ऐसे ऐसे सेंसर्स लगे हैं कि अगर इनके ऊपर किसी भी तरह का अटैक होने वाला होगा तो पहले ही सुरक्षा एजेंसियों को पता लग जाएगा। इस तरह ये पूरी तरह से प्रोटेक्टिव हाउस भी है। साथ ही साथ इनकी सेफ्टी का इतना ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि इनके घर के आगे कोई भी 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक सकता। हम भी जब यहाँ पर वीडियो शूट कर रहे थे तो हमें इनके कर्मचारियों ने बोला कि भाई साहब आप आगे की तरफ चले जाओ, तो हमें आगे की तरफ जाना पड़ा। आप देख सकते हैं कितना विशाल ये घर है। साथ ही इसके आसपास का नज़ारा आप देख सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल जैसे मुंबई का नज़ारा होता है उसी तरह आपको छोटी छोटी दुकानें दिख जाएंगी और ठीक वैसा ही बिल्कुल माहौल है जैसा बाकी प्लेसेस में होता है। कुल मिलाकर घर बहुत ज़्यादा शानदार है। अब हम बात करेंगे बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के घर के बारे में। मुंबई में जिस घर में शाहरुख खान रहते हैं उसका नाम है मन्नत। यह बंगला शाहरुख खान ने सन 2001 में मात्र 13,32,00,000 रुपए में खरीदा था। इस बंगले को खरीदने के पीछे की कहानी आज हम आपको बताएंगे। खुद शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शाहरुख ने कहा था कि मैं दिल्ली से आता हूँ, दिल्ली वालों के बीच कोठियां यानी बंगलों में रहने का कॉन्सेप्ट है, वहीं मुंबई में अपार्टमेंट में रहने का चलन है। जब मैं मुंबई आया था तब मेरी शादी हो चुकी थी और मैं अपनी वाइफ गौरी खान के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। किंग खान आगे बताते हैं कि मेरी सास हमेशा कहती रहती थी कि तुम बेहद छोटे घर में रहते हो। हालांकि जब मैंने मन्नत को देखा तो मुझे दिल्ली वाली कोठी की याद आई तो मैंने इसे खरीद लिया। शाहरुख खान की माने तो यह उनके द्वारा खरीदी गई आज तक की सबसे महंगी चीज है, जिसकी कीमत मौजूदा समय में तकरीबन 200 करोड़ रुपए है। शाहरुख खान द्वारा यह प्रॉपर्टी खरीदने से पहले यह गुजराती बिजनेसमैन नरीमन दुबास के पास थी। खबरों की माने तो 2001 में यह बंगला शाहरुख खान को बेच दिया गया, वहीं 2005 में इसका नाम बदलकर मन्नत रखा गया। आपको बता दें कि शाहरुख खान के बंगले का नाम पहले विला वियना हुआ करता था। अब हम शाहरुख खान के घर के सामने स्थित बीच पर आ गए हैं। ये है बैंड स्टैंड जो कि बांद्रा में स्थित है। ये मुंबई का वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आप बांद्रा फोर्ट के भी दर्शन कर सकते हैं, साथ ही माउंट मैरी चर्च भी यही है। कुल मिलाकर शाहरुख खान के घर की लोकेशन बहुत ज्यादा शानदार है। आप देख सकते हैं शाहरुख खान की बंगलों के आसपास कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं और बिल्कुल सामने आप समुद्र का नजारा देख सकते हैं जो कि आपके मन को बहुत ज्यादा शांत कर देगा और आपको यहाँ आने के बाद काफी अच्छा लगने वाला है। अगर आप मुंबई आते हैं तो आपको यहाँ पर जरूर आना चाहिए। अब हम बात करेंगे सलमान खान के घर के बारे में। सलमान खान बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट में 1 BHK अपार्टमेंट में रहते हैं। सलमान खान पिछले 40 सालों से यहीं रह रहे हैं, जबकि उनके माता पिता गैलेक्सी अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर रहते हैं। सलमान खान की दुनिया भर में तगड़ी फैन फॉलोइंग है, उनकी करोड़ों की नेटवर्थ है। बावजूद इसके वह 1 BHK गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं, लेकिन पनवेल में उनका 150 एकड़ में फैला फार्म हाउस भी है। सलमान का यह फार्म हाउस आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस है, लेकिन सलमान खान गैलेक्सी अपार्टमेंट में ही अपने पेरेंट्स के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं। सलमान खान ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं जबकि उनके माता पिता फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, लेकिन ये जो फ्लैट है ये आपस में इंटरकनेक्ट है। सलमान खान अक्सर आपको इस फ्लैट के बाहर साइकिल चलाते हुए दिख जाएंगे। सलमान खान ईद के दिन
इसी फ्लैट की बालकनी से लोगों से बाहर मिलते हैं। सामने आप देख सकते हैं जिसपे चटाई लटकी हुई है, वही है सलमान खान का फ्लैट और यह उनकी बिल्डिंग। अब हम बढ़ चले हैं रेखा और जॉन अब्राहम के घर की ओर। ये जो सामने आपको बंगलो दिख रहा है ये रेखा का बंगलो है, ये भी बैंडस्टैंड बीच पर स्थित है। और सामने आपको ये जो नीले कलर की बिल्डिंग दिख रही है जिसमें नीले कलर की लाइनिंग है, इसी में जॉन अब्राहम का 7th और 8th फ्लोर पर फ्लैट है जो कि डुप्लेक्स पेंट हाउस है और ये बहुत ही ज्यादा शानदार है। इसका टोटल एरिया 4000 स्क्वायर फीट है। इनके घर के सामने आप एयरफोर्स के जहाज को भी देख सकते हैं जो कि सुंदरता के लिए लगाया गया है। और सामने आप देख सकते हैं यह है बैंडस्टैंड बीच। कुल मिलाकर इनकी लोकेशन भी बहुत ज्यादा शानदार है। अगर आप बैंडस्टैंड आते हैं तो आपको सलमान खान, शाहरुख खान, रेखा और जॉन अब्राहम के घर देखने को मिलेंगे एक लाइन में। एक कोने पे शाहरुख खान का घर है, दूसरे कोने पे सलमान खान का घर है और बीच में है रेखा और जॉन अब्राहम का घर। अब हम यहां से आपको लेकर चलेंगे सुनील शेट्टी के पृथ्वी अपार्टमेंट की ओर। ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है यही है सुनील शेट्टी का पृथ्वी अपार्टमेंट। इसी बिल्डिंग में सुनील शेट्टी अपने परिवार के साथ रहते हैं। इस बिल्डिंग से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको मुकेश अंबानी का एंटीलिया दिख जाएगा और एंटीलिया से कम आप 500-600 मीटर आगे चलेंगे तो आपको लता मंगेशकर का घर दिख जाएगा। इनकी लोकेशन बहुत ज्यादा शानदार है और यहाँ आने के बाद आपको सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने सच में बहुत मोटा पैसा कमाया है जो इतने शानदार घर बनाए। अब हम बढ़ चले हैं लता मंगेशकर के प्रभु कुंज बिल्डिंग की ओर। आपको राइट साइड में ये जो बिल्डिंग दिख रही है, मैं आपको एरो से दिखा देता हूँ, इस बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पर ही है लता मंगेशकर का घर। लता मंगेशकर जी के घर की लोकेशन भी बहुत ज्यादा शानदार है और यहाँ से अगर आप हाजी अली जाना चाहते हैं तो हार्डली 200 से 300 मीटर की दूरी पर ही हाजी अली आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही महालक्ष्मी मंदिर भी इनके घर से 200 से 300 मीटर की दूरी पर है। अब हम आपको लेके चलेंगे जुहू। ये है अमिताभ बच्चन का जलसा। लेफ्ट में आप जो ये पेड़ बनी हुई दीवार देख रहे हैं यही है अमिताभ बच्चन का जलसा जो कि काफी फेमस बिल्डिंग है। आप देख सकते हैं दिन के समय इस तरह से हमें जलसा दिखाई देता है। चूंकि यहाँ पर वीडियो बनाने की परमिशन नहीं है इसलिए हमने फोटो से ही काम चलाया। सामने आप देख सकते हैं ये मेरी वाइफ और मेरे बच्चे हैं जो जलसा के सामने फोटो खिंचवा रहे हैं। काफी अच्छा लगता है यहाँ पर आने के बाद। अब हम आपको दिखाएंगे सनी देओल और धर्मेंद्र जी का घर। आपको ये जो व्हाइट रंग की दीवार दिख रही है यही कोठी है धर्मेंद्र जी की और इसके बाजू में है सनी देओल जी की कोठी। बहुत शानदार ये लोकेशन है। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आप इनकी प्रॉपर्टीज को देखकर सच में शॉक हो जाएंगे। ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो आपको फोटो दिख रहा है, ये धर्मेंद्र जी की प्रॉपर्टी का गेट है और इसके बिल्कुल बाजू में है सनी देओल की प्रॉपर्टी। आप देख सकते हैं यह है सनी देओल की प्रॉपर्टी। यहाँ पर दोस्तों दिक्कत यह है कि आप यहाँ पर खड़े होकर वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए हमने अब यहाँ से फोटोग्राफ खींचकर ही काम चलाया। जब तक हम गाड़ी में थे तब तक वीडियो बन गया, उतरने के बाद केवल फोटोग्राफ ही आप यहाँ पर खींच सकते हैं। ये थोड़ी सी दिक्कत सी लगी लेकिन कोई बात नहीं, सिक्योरिटी के लिहाज से ऐसा करना पड़ता है। अब हम आपको दिखाएंगे अमिताभ बच्चन का एक और बंगला जिसको कहते हैं प्रतीक्षा बंगलो। अमिताभ बच्चन के मुंबई में टोटल 5 बंगलो है, एक है जलसा, एक है प्रतीक्षा और बाकी 3 और हैं। उनको दोस्तों अभी हम जानते नहीं हैं, आगे कभी हम जाएंगे तो वो दिखा देंगे। तो इस तरह आप देख सकते हैं ये भी बहुत विशाल बंगलो है और अमिताभ बच्चन यहाँ पर ज्यादातर समय बिताते हैं। क्योंकि अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के महानायक हैं इसलिए उनकी इतनी प्रॉपर्टी का होना समझ में आता है। आप देख सकते हैं दिन के समय ली गई फोटो और अंदर से प्रतीक्षा बंगलो इस तरह दिखाई देता है। यहाँ पर अमिताभ बच्चन को आप देख सकते हैं टाइम व्यतीत करते हुए। अब हम आपको दिखाएंगे शत्रुघ्न सिन्हा का रामायणा बंगला। दोस्तों राइट हैंड में जो आपको दिख रही है सफेद रंग की बिल्डिंग यही है शत्रुघ्न सिन्हा का रामायणा बंगला। ये भी बंगला बहुत ज्यादा शानदार है और यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा अपने परिवार के साथ रहते हैं और आप देख सकते हैं इस तरह ये दिखाई देता है। अब हम यहाँ से सीधा आपको लेके चलेंगे जितेंद्र और एकता कपूर के कृष्णा बंगलो की ओर। इनका बंगला मुझे सबसे ज्यादा शानदार लगा
क्योंकि बहुत ही अच्छी इसकी डिजाइनिंग है और बाहर से देखने में ये बहुत ज्यादा सुंदर दिखता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं रात के समय रोशनियों से किस तरह ये जगमाया हुआ है और दिन के समय इनका बंगलो इस तरह दिखाई देता है। काफी बेहतरीन ये लोकेशन है। अगर जू में आप आते हैं तो आप इन सब बंगलोस को देख सकते हैं। हम भी यहाँ पर फोटो खिंचवाकर काफी खुश हुए और मेरी वाइफ को तो सच में काफी अच्छा लगा। वो काफी समय से चाह रही थी कि मुंबई में बॉलीवुड स्टार्स के बंगलों को देखें और फाइनली उन्होंने इतने सारे बंगले देख लिए। इस तरह दोस्तों बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बंगले हैं।